रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने इज्जत ईमान में रखे और जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का हमारा व्लॉग ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है 2-3 दिन से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और आज हम बनाने लगे हैं चने वाला पुलाव। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मुझसे बन नहीं रहा था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए चावल ही बना देती हूँ। चने उबाइल करके, ये देखें मैंने शेल में डाल के रख ली है, आलू वगैरह भी काट के और सब कुछ बना के रख ली। जो चावल है वो भी मैंने भिगो के रख दी है, ये देखें पानी से लेकर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कम ही बोलूँगी, आप लोग ये नहीं कहना कि मैं आज बोल नहीं रही। तबीयत ठीक नहीं है बुखार की वजह से, मेडिसिन मैं लेके आई हूँ तो उन्होंने बुखार बताया मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये देखें व्यूअर्स, घी मैंने डाल दिया और प्याज भी हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। जल्दी से मसाले को बारीक कर लेते हैं, अदरक और लहसुन को। बुखार आना तो काम को भी दिल नहीं करता करने। तो ये देखिए गाइस हल्के से ब्राउन से हो गए, प्याज से जो मसाला मैंने बारीक किया वो उसके अंदर डाल देंगे। टमाटर भी डाल देंगे, अच्छे से भुनी लगा देंगे। ये देखिए गाइस जो मसाला बारीक किया वो भी डाल देंगे इसके अंदर, लाल मिर्च का पाउडर भी और नमक वगैरह सब कुछ डाल देंगे, अच्छे से भून के डाल देंगे। ठीक है देखिए गाइस आलू डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखें गाइस अच्छे से मैंने भुनी लगा ली आलूओं का, जिसके अंदर चने जो उबाल के थे वो भी डाल देंगे। ये देखें अच्छे तरीके से हमारी जो भुनी है वो लग चुकी है, मसाला जो अच्छे से वो रेडी हो गई है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी हमारा जो उबाइल आ चुका है अच्छे तरीके से, और ये चावल थे अच्छे तरीके से मैंने शेल में डाल के धो लिए हैं ताकि मट्टी है जो शेल में से उबाइल निकल जाती है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, थोड़े से पकेंगे तो फिर दम देंगे। तो चावल जो हमारे यहाँ दम पे आ चुके हैं, दम दे देंगे और साथ साथ रायता भी बना लेंगे। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं, जो रायता वो भी मैंने बना लिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि बीमार की वीडियो कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।